आइए, आपका इंतजार है। क्या सर गाना गाना बोल रहे हो आप? अरे कभी कभी मजा आता है यार, म्यूजिक म्यूजिक बहुत अच्छी चीज होती है। ठीक है सर, आज क्या है? हाजिर हूँ मैं जबरदस्त अगले टाइप के साथ, जो भी बहुत जबरदस्त है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से गारंटेड क्वेश्चन आएगा 2 मार्क के लिए। ठीक है, और कौन सा आएगा? ये पहला वाला दिख रहा है? पहला वाला कौन सा सर, आप बता ही दो हमको। ये वाला वेरी मोस्ट वांटेड सवाल है, लिख लो लिख लो, उसको स्टार बना के कुछ भी करो, IMPA बात खत्म। और कौन सा सर? बताऊंगा आगे, थोड़ा सस्पेंस भी रखते हैं। ओके चलो, तो हमने टाइप 1 देखा, टाइप 2 देखा, टाइप 3, जिसमें से टाइप 1 टाइप 2 में हमने कन्वर्जन देखा एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम और लॉगरिथम टू एक्सपोनेंशियल। उसके बाद टाइप 3, जिसमें से असल में सवाल आएगी, बराबर 2 मार्क के लिए आता है। मैं हर बार बोलता हूँ क्वेश्चन 1 में 2 मार्क्स के लिए आएगा लॉगरिथम चैप्टर में से सवाल। ठीक है, और IMP जो मैं बताता हूँ वो IMP ही होता है, बराबर, उसको ज़्यादा ध्यान देना है कुछ भी करके। ठीक है, तो जो भी IMP, इसमें से 2 IMP है उसको भी अभी मार्क कर लेता हूँ। ये वाला एक है, ठीक है, वेरी वेरी IMP कर दो इसको, वेरी वेरी IMP, पहला और 6 वाला, हम ऐसे सब सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ओके सर, शुरू करते हैं। कुछ सवाल मैं आपको भी देता हूँ, ठीक है, इसमें से एक सवाल मैं आपको देता हूँ सॉल्व करने के लिए, ठीक है, कमेंट में उसका आंसर बताना, ठीक है, मज़ा आएगा। ओके सर, चलो कौन सा देता हूँ? आसान वाला ही दूंगा, डोंट वरी, लेकिन आपको दूंगा, एक दूंगा, दो दूंगा, हो सकता है दो भी दे सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो मुझे थोड़े थोड़े सेम सेम लग रहे हैं, सेम ही है, और ये 4 में से एक देता हूँ, चलेगा ना? बरो ओके सर, आप शुरू तो करो, सॉल्यूशन चालू करता हूँ, ठीक है, ब्लू इंक से, ताकि आपको पता चले कि भाई सबसे पहला क्या दिया है, लॉग ऑफ 81 टू द बेस। सवाल कैसे आएगा? सवाल सिर्फ इतना ही आएगा, इवैल्यूएट दिस, बात खत्म, इतना ही सवाल। इवैल्यूएट का मतलब होता है फाइंड वैल्यू ऑफ दिस, जो भी है, इवैल्यूएट मतलब फाइंड द वैल्यू, इवैल्यूएट मतलब फाइंड द वैल्यू, ईवैल वैल वैल दिख रहा है, VALU वैल्यू, इसके अंदर ही है, मतलब वैल्यू फाइंड करना है, बराबर, इसका कितना वैल्यू आएगा। सबसे पहले ये एज इट इज़ कैल्सियम में डाल सकते हो, एज इट इज़ कैल्सियम में डालना है आपको, कैल्सियम अलाउड है, लॉग का बटन है उधर, वो भी मैं दिखाऊंगा कैसे डालना है, डोंट वरी, एज इट इज़ कैल्सियम डालना है, कैल्सियम में जो भी आंसर आता है वही आपका आना चाहिए। अब हम ये देखने वाले हैं कि ये लॉग 81 टू द बेस 3, ये जो आप दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, इसको कैल्सियम में कैसे सॉल्व करेंगे, बराबर, इसका आंसर, ये आपको क्वेश्चन आता है सवाल 2 मार्क के लिए, इसका वैल्यू निकालने के लिए, वो भी हमने देखा, लेकिन आपको आंसर चेक करना है तो कैलकुलेटर में कैसे करेंगे? मैंने पहले बोला है, हर एक आंसर कैलकुलेटर में कर सकते हैं, तो पहले तो आपको ऑन दबाना है यहाँ पे, ये कैलकुलेटर में जाके, और ये लॉग 381 कैल्सियम में कैसे डालेंगे आप, LOGA वाला लेंगे, बराबर, इसमें 2 डब्बे आएंगे, तो नीचे डब्बे में बेस 3 डालेंगे, राइट एरो दबाएंगे, और वहाँ पर हमको क्या करना होता है, उसमें 81 डालना है, ठीक है, इक्वल टू दबाने के बाद 4 आंसर, मतलब इसका 4 आंसर जो है वो सही आंसर है, क्लियर। लेकिन हम डायरेक्टली लिखेंगे तो मार्क नहीं मिलेंगे, बराबर, उनको तो चाहिए भाई लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़, आप हम लॉगरिथम पढ़ रहे हैं ना, हम कैलकुलेटर चैप्टर का नाम कैलकुलेटर थोड़ी है, क्या है लॉगरिथम है, तो जो चेक करने वाला है हमारा पेपर उसको समझ में आना चाहिए भाई, लॉगरिथम का पता है उसको, आंसर वही लाना है, तो आंसर आपको पता है, सबसे बड़ी बात ज़िंदगी में, मतलब आप कितने सौभाग्यशाली हो, वेरी लकी कि आंसर आपको पता है, कैसे पता है, ये कैल्सियम में डालो। मैं कैल्सी कौन सा रिकमेंड करता हूँ, कैसियो का मॉडल का नाम कुछ तो 991ES+, सिल्वर कलर है शायद ऊपर से, वो वाला कैल्सी मैं दिखा भी देता हूँ आपको अभी, ये देखो, ठीक है, दिख रहा है, मैं जो भी पढ़ाऊँगा ना कैल्सी के सारे बातें मैं बताऊँगा आपको, अलग अलग वीडियोस बनाऊँगा, कैल्सी का मास्टर बनाऊँगा मैं आपको, डोंट वरी, इसमें बहुत है, डिग्री डिप्लोमा पूरा निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगा, बहुत सारे बच्चे इसलिए फेल होते हैं, ये क्या चीज़ है असल में पता नहीं होता है उनको, तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, मैंने देखे हैं बहुत सारे बच्चे, डोंट वरी, और फॉर्मूलेज
दूसरी बात होती है फॉर्मूलेस, यहाँ से आगे छोटे छोटे फॉर्मूलेस यूज़ होंगे, लॉगरिथम के यार तीन चार फॉर्मूले, ज़्यादा कुछ नहीं है, वो फॉर्मूलेस का अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, हर एक चैप्टर के फॉर्मूलेस का भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो देखो उस चैप्टर के सारे फॉर्मूले, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं आपको फॉर्मूले का शीट भी अटैच कर दूंगा वीडियो के साथ, जो आप डाउनलोड कर पाओगे, बाद में करेंगे सब कुछ, ठीक है। तो करना तो बहुत कुछ, बस जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, जुड़े रहेंगे भाई, और कमेंट करेंगे, बराबर, जो भी करना है यार, मैं वो नहीं बताऊंगा आपको, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, या जो लाइक करो, वो हमेशा मेरे ध्यान में रहेगा, नहीं रहेगा, कभी ध्यान में आया तो बता ही दूंगा, लेकिन आपको पता है, आप एक्सपर्ट हो उस चीज़ में, क्या करना होता है, ठीक है। ओके चलो शुरू करते हैं। सर आप टाइम पास बहुत करते हो इससे, अरे बताना पड़ता है, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, जब इवैल्यूएट, इतना सवाल आएगा, इवैल्यूएट आएगा और इसके सामने ही आएगा, तो आपको करना क्या है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, इतना तो पता चल गया हमें सर, आगे बताओ। सबसे पहले आपको इसको इक्वल टू कैसे कर सकते हो, यहाँ अगर 3 है ना, तो यहाँ पे भी 3 आ सकता है क्या, देखना है, बराबर। कैसे आएगा सर, 81 की जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 raised to 4। क्यों 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 सर, क्योंकि 81 मतलब 3 raised to 4 होता है सर, 81 तो 9 raised to 2 भी होता है, आप 9 raised to 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो यहां नंबर है वही मुझे यहां पर चाहिए, जो 3 यहां पर है इसलिए यहां पर भी मुझे 3 चाहिए, तो 3 raised to कितना 84 होता, 81 होता है, ये मैंने सोचा, तो 3 का स्क्वायर, 3 into 3 9, 9 into 3 27, और 27 into 3 81, तो 3 raised to 4, 3 को 4 बार अगर मल्टीप्लाई करते हो, 3 into 3 into 3 into 3, तो 81 आता है, मतलब 3 raised to 4 81 है, तो मैंने लिखा क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 आ गया, बराबर। अब एक प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की, मैं साइड में हर एक प्रॉपर्टी, हर एक फॉर्मूला लिखने वाला हूँ आपके लिए, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी है, अगर ऐसा है लॉग ऑफ x raised to a, तो a जो ये है ये सामने आ सकता है, मतलब a log x, इसको ऐसे लिख सकते हो, ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो सिमिलर ये यूज़ करके मैं कह सकता हूँ ये 4 सामने आएगा, ठीक है, कहाँ आएगा 4 सामने आ सकता है ना, ये थोड़ा रफ करता हूँ, क्वेश्चन 1 में आएगा ये तो पता चल चुका है हमें, बराबर। तो सामने मतलब कैसे आएगा, ये 4 सामने आएगा, तो इज इक्वल्स टू 4 ऑफ log ऑफ 3 टू द बेस 3 हो गया, क्लियर। अब इसको देख के एक प्रॉपर्टी और याद आनी चाहिए आपको, कौन सी प्रॉपर्टी सर बता भी दो हमको, अगर ऐसा होता है यहाँ का और यहाँ का नंबर सेम होता है तो उसका आंसर 1 आता है। अच्छा सर, तो वो प्रॉपर्टी यूज करके इसका आंसर आएगा ये 4 और इसका आंसर 1 आएगा, तो फाइनल आंसर इज 4, क्लियर। इस तरह से सॉल्व करना है, इस तरह से सॉल्व करोगे जब ये कैल्सियम में डालोगे तो 4 ही आएगा, तो आंसर आपको पता है, लेकिन 4 ऐसे लाना है। यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज मैंने यूज़ किया, एक तो 4 को सामने लेके आया, और फिर ये देख के मैंने क्यों किया था सेम ये, क्योंकि इसका 1 आता है, मुझे पता था, अगर ये फॉर्मूला पता है तभी तो आप कर पाओगे, ठीक है। ये 2 मार्क के लिए आता है, 2 का 2 मार्क मिलेगा, आधा भी कट नहीं होगा, मेरी गारंटी है, दुनिया में कोई भी टीचर चेक करे, दुनिया में बोल रहा हूँ, हम तो महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो डोंट वरी, ऐसे आपको आंसर लिखना है, बात खत्म है ना, कैसे मार्क है, फ्री के लग रहा है ना, फ्री में बांटे हैं मार्क्स, मतलब कोई मेहनत नहीं है। ओके सर, और एक करके दिखाओ, अब मैं आपको कौन सा करके दिखाता हूँ, दूसरा ही करके दिखाता हूँ, चलो 2 नंबर वाला, क्या है log ऑफ 4 है और इधर 64 है, ठीक है, इसको इधर जगह नहीं है तो इधर ही लिख लेता हूँ, ठीक है, 2 नंबर का log ऑफ, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 64 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे सर, कैसे बताओ। अब यहाँ पे अगर 64 है, सेम करना है, यहाँ पे अगर 64 है तो यहाँ पे भी 64 आ सकता है क्या सर,
64 का क्यूब 64 है, 64 होता तो वहाँ पे 4:3 लिख सकते थे, लेकिन 4 को 64 कैसे बनाएंगे सर? हम बना सकते हैं यार, 4 का क्यूब अगर 64 है तो ऑफकोर्स 64 का क्यूब रूट 4 है, बात खत्म। तो कैसे सर लिखते कैसे है वो भी तो बताओ। तो सबसे पहले तो यह 64 एज इट इज लिख लूंगा, 4 क्या करना पड़ेगा हमको, यहां पे भी 64 लिखना है बराबर, यहां पे 64 है इसलिए यहां पे भी 64 लिखा, लेकिन 64 क्या लिखना पड़ेगा, 1/3। 1/3 मतलब क्या सर, क्यूब रूट मतलब 1/3 होता है, ध्यान दो। अगर यहाँ पे लिखता हूँ क्यूब रूट ऑफ x होता है ना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो मैं क्यूब रूट ऑफ 64 ऐसे भी लिख सकता था और ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/3 भी लिख सकता हूँ ऊपर। क्यों मैंने ऐसे लिखा 1/3, क्योंकि वो मैं बाद में 1/3 करना ही पड़ता, क्योंकि वो सामने लाना है ना हमको, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करके, फिर से यही प्रॉपर्टी, देखो कौन सी प्रॉपर्टी है, जो ऊपर है रेस टू है, जो सिर पे बैठा है वो सामने आता है, सिर पे बैठा है वो सामने आता है, तो लेके आओ सामने फिर उसको, कौन है सामने, सिर पे कौन बैठा है, 1/3, 1/3 को लेके आओ, तो आगे क्या रह गया, यहाँ पे भी 64 और यहाँ पे भी 64, फिर से ये प्रॉपर्टी, अगर ये और ये सेम है तो 1 लिखना होता है, तो 1/3 इंटू डायरेक्टली 1 हो गया, तो फाइनल आंसर इज 1/3, क्लियर। ऐसे लिखे तो ऐसे लिखोगे तो कोई माई का लाल आपके मार्क्स नहीं काट पाएगा, ठीक है। और टारगेट बड़ा रखना है, ठीक है, टारगेट बड़ा रखो यार ज़िंदगी में हर चीज़ में यार, टारगेट बड़ा रखो, ठीक है, टारगेट छोटा रखोगे छोटे ही रह जाओगे, बड़ा रखो और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लाना है ज़िंदगी में। मतलब क्या बोल रहे हैं सर आप, क्या थोड़ा डिटेल में बताएंगे, मतलब ऐसी ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है जिनकी वजह से हमारा जो फोकस है, हमारा जो टारगेट है, उसके बीच में प्रॉब्लम शुरू हो जाए। मतलब क्या, अगर आप दोस्तों बनाने हैं यार, दोस्त बनाने हैं, अच्छी बात है, दोस्त बनाओ, बहुत सारे लोगों के साथ बातें करो, लोग जोड़ो, लेकिन जिस वक्त जो चीज़ करनी है उस वक्त वो करो। ऐसे लोग अगर आपने जोड़ दिए हैं जो आपको पढ़ाई नहीं करने देते हैं, जो आपको गोल से हटाने की कोशिश करते हैं, तो फिर उन रिलेशंस का क्या फ़ायदा, सिंपल है ना। अगर आप मुझसे, अगर आप मतलब सहमत नहीं हो तो बता दीजिए, मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो कुछ, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, आपका फोकस, आपका जो गोल है बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़र्क अगर अचीव नहीं हुआ तो सबसे ज़्यादा फ़र्क उनको नहीं पड़ेगा, आपको पड़ेगा। मैं लोगों से भागने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि इस उम्र, आपकी उम्र में ये बातें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं भी उस उम्र से गुजरा हूँ, आई हैव दैट एक्सपीरियंस, आप समझ सकते हो, ठीक है। ओके चलो सर आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर का हो गया सर, 3 नंबर का सर हम करेंगे, आएगा ना आपको 3 नंबर का, आएगा आपको 3 नंबर का आएगा देखते हैं सर हम ट्राई करते हैं, नहीं तो आप ही करके दे दो। चलो यार मैं करके देता हूँ आपको, कोई और आसान वाला देता हूँ थोड़ा आपके लिए, यहाँ पे लिखता हूँ, चलो 6 और 7 नंबर का यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आपको, log of 5 और यहाँ पे 125, ठीक है, ये आपको करना है, ये होमवर्क है, ठीक है, ये एक होमवर्क है और ये एक होमवर्क है, ठीक है, ये दोनों आपको करना है, 5 और 7 नंबर का, और कमेंट में आंसर बताना है, वो मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं ये करता हूँ 6 नंबर का तो 5 नंबर का आपको आना चाहिए, क्लियर। और मैं जानबूझ के दे रहा हूँ यार, क्यों, क्योंकि सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता है, मैथमेटिक्स तो क्या होता है, प्रैक्टिस से होगा, बराबर, ये सब तो सॉल्व करनी ही है आपको, वीडियो पॉज करना है, उसको राइट डाउन करना है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है अपना, अब हम कौन सा करने वाले हैं, 3rd नंबर, ठीक है, ध्यान दे रहे हैं हम सब, 3rd नंबर मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ आपके लिए,
2781। ये भी कैल्सियम में डाल के डायरेक्टली, ये कैल्सियम में डाल के डायरेक्टली 1/3 आता है। तो आंसर आपको पता है, हर एक सवाल में ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट आंसर, आपको बस लिखना कैसे है यह मैं बताने जा रहा हूँ। सर यहाँ पे आपने बोला था अगर ऐसा कुछ आता है, यहाँ पे अगर 81 है ना, तो आँख बंद करके यहाँ पे भी 81 लिख लो। अच्छा लिख लिया, लेकिन यहाँ तो 27 है, तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? 81 के ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? तो पहले तो 81 का फोर्थ रूट 3 होता है, बराबर, मतलब 1/4। 81 का फोर्थ रूट 3 होता है, तो 81 का फोर्थ रूट 3 हो गया, लेकिन हमको 3 नहीं चाहिए, हमको 27 चाहिए। तो 3 का 27 कैसे होता है? क्यूब, 3 का क्यूब 27 है। तो अगर मैं 81^3/4 लिखता हूँ ना, तो वो 27 बन जाता है। सर फिर से बताएंगे, प्लीज़ बताता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए नीचे 4 मतलब फोर्थ रूट, और ऊपर 3 मतलब तीसरी पावर, मतलब क्यूब, बराबर है। तो करके देखो ना, 81 का फोर्थ रूट मतलब 81 को 3 × 3 का, अभी तो हमने देखा 81 कहाँ पे, तो देखा था हमने यहाँ पे 3^4 अगर 81 है, तो 81 का फोर्थ रूट 3 होगा ना, बराबर। तो वो 3 आ गया, और फिर से ये 3 की वजह से उसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। या फिर डिटेल में अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 3 का क्यूब 27, और उसका अगर मैं 1/4 करता हूँ तो 81 आता है। करके देखिए, नहीं ये यहाँ पे क्या है, 81 है ना, बराबर, या 81 का 1/4 ये अंदर लिखा तो भी चलेगा, 3 आता है, और उसका अगर क्यूब करता हूँ तो इतना आता है, 27 आता है 3 का क्यूब। तो ये कैल्सियम डाल के देखो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैल्सियम भी डाल के देख सकते हैं ये वाली चीज़, कौन सी चीज़ 27 आता है या नहीं, यही मतलब 27 है, कैल्सियम में डाल के चेक कर सकते हो। मैंने कैसे किया ये भी बताया आपको, ठीक है। नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देखिए, ठीक है, पॉज कीजिए, रिप्ले कीजिए, पॉज कीजिए, जहाँ पे भी जो भी करना है यार आपको, बस समय, अगर फिर भी नहीं कमेंट में बताएं, फिर से बताऊँगा, कमेंट कीजिए, ठीक है। ओके सर, और आप बाद में क्या करते हो सर, हमेशा आप बोलते हो कि ये जो ऊपर वाला होता है ना 3/4, उसको सामने लिखना है, और फिर क्या बचेगा, 81, और यहाँ पे भी 81, ठीक है। और ये सेम हो जाएगा ना, तब उसको डायरेक्टली 1 लिखते हैं हम सर, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला। तो 3/4 × 1 इज इक्वल टू सर 3/4 इज द फाइनल आंसर। क्लियर, कहाँ तो हो गया, आपको लिखना है, मैं साइड में हो रहा हूँ, लिख लो, मैं रफ करने वाला हूँ, क्योंकि हमारा बोर्ड का जगह ख़त्म हो गया, और हमको कितने सॉल्व करने हैं, 2 प्रॉब्लम और सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो पॉज करके लिख लो, ओके, इसको रफ करते हैं पूरा। ध्यान दे रहे हो बच्चों, ध्यान दे रहे हो, ध्यान देना है, 100 out of 100। टारगेट कितना रखना है ज़िंदगी में, कभी भी खुद को कम नहीं समझना, सबसे होशियार कौन है, तुम खुद, ठीक है। कौन है, मैं हूँ, सबसे कौन हूँ क्लेवर, मैं हूँ। सबसे ज़्यादा किसको मैथमेटिक्स आता है, मुझे आता है, मुझे मतलब आपको ऐसे बोलना है, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा, आपको ऐसे बोलना है खुद को, आई कैन डू दिस, कोई कमी नहीं होती यार, आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, वही दिमाग है। कोई अगर एक बच्चा 100 out of 100 ला सकता है ना, तो दूसरा भी ला सकता है, वो अगर नहीं ला पाता है तो उसमें कोई तो कमी है, बराबर। भगवान ने दिमाग सब में सेम दिया है, बस उसका इस्तेमाल किस चीज़ पे करना है, कितना करना है, वो आपके ऊपर है। सही करोगे तो ज़िंदगी में सही बनोगे, सही मुकाम पे पहुँचोगे, ठीक है। तो चौथा करते हैं अभी, चौथा क्या है, लॉग ऑफ, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1/9 है, सॉरी 1/81 है। सर आपने हमको बोला है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर 9 है ना, तो आँख बंद करके यहाँ पे भी 9 लिख लो, लिटरली आँख नहीं बंद करना है, इसका मतलब है बिना सोचे यहाँ पे भी 9 लिख लो। तो 9 के ऊपर क्या लिखना पड़ेगा हमको,
9 के ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, तो 1/81 आएगा, बराबर। सर अगर सिर्फ 81 होता ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, 81 सिर्फ होता तो मैं 9^2 81 करता, बराबर। लेकिन अगर अगर मुझे नीचे चाहिए ना 81, तो ऐसे हो जाएगा 1/9^2 मतलब 1/81। लेकिन ये 1/9 जो है मुझे नीचे नहीं है, उसके ऊपर डिनोमिनेटर में नहीं है, ये न्यूमरेटर में है ना, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो कैसे बन जाएगा ये, रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कैसे किया है देख लो। मुझे क्या चाहिए, 1/81 चाहिए, तो 1/81 मतलब 1/9 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे 9 के ऊपर मुझे कुछ तो नंबर लिखना है, 1/9 के ऊपर नहीं लिखना है, 9 के ऊपर, तो 9 मुझे ऊपर चाहिए। अगर मैं 9 ऊपर ले जाता हूँ तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो 9^-2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए 1/81 मतलब 9^2 क्या लिख सकता हूँ मैं, -2। क्या फर्क पड़ता है, -2 अब क्या आएगा सामने आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 log of, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी 9, और अगर सेम हो जाता है, बराबर, कौन सा प्रॉपर्टी यार, वो हमने मिटा दिया लगता है, ठीक है। फिर से लिखता हूँ, log of a और a ऐसा होता है तो उसको डायरेक्टली 1 लिख सकते हो आप, ठीक है, मतलब यहाँ पर सेम है, तो सेम है तो -2 × 1 विच इज़ इक्वल्स टू -2 विच इज़ फाइनल आंसर, ठीक है, कितना आया -2। अब हम देखते हैं कि ये जो चीज़ है कौन सी, ये log of 1/81 to the base 9, इसको कैलकुलेटर में कैसे डालना है, मतलब ये वाला इतना कैलकुलेटर में आप इसको डाल सकते हो, इसका आंसर डायरेक्टली मिलेगा। तो आप कैलसी में जाएंगे, यहाँ पे log ये वाला log लेना है, आप ध्यान दीजिए मैं क्या दबा रहा हूँ, बराबर, और बेस में आपको 9 डालना है, डाल दिया, और राइट साइड में डाके आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डालना है, तो आप ये दो डब्बे लेंगे, बराबर। तो ऊपर का ऊपर डालेंगे, नीचे का नीचे, 1 दबाया मैंने और नीचे आया एरो की दबा के, और यहाँ पे 81 मैंने लगाया, बराबर, एज इट इज़ डाला है, इसको भी आप देख सकते हो और उसको भी कैलसी में क्या डाला है देख सकते हो, ठीक है, और इक्वल टू दबाना है आपको, बात खत्म यहाँ पे, -2 आंसर इसका सही है, क्लियर। ये हो गया, आप सिर्फ 6 नंबर का करने वाले हैं, बराबर। 6 नंबर का मैं लिख रहा हूँ, पहले 1/log(6)3 +1/log(6)8 +1/log(6)9। अच्छा सर, ये वाला सवाल बहुत बार आ चुका है आपके एग्ज़ाम में, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग MSBT की बात कर रहा हूँ मैं, और ये वाला जो लॉग का ये पूरा है, 1/log(6)3, ये पूरा जो पार्ट आपको दिख रहा है, आप क्या कर सकते हो, इसको कैलसी में सॉल्व कर सकते हो, एज इट इज़ पूरा का पूरा डाल सकते हो, मैं अभी दिखाने वाला हूँ पूरा का पूरा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलसी में इसका आंसर आता है। तो कैसे करेंगे, पहले तो हमको क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डालना है, बराबर, तो ये दो डब्बे लेने हैं, ऊपर वाले डब्बे में हम 1 है, नीचे जाएंगे वहाँ पे क्या है लॉग है, तो ये लो जी यहाँ पे लेंगे, बेस कितना है 3 है, राइट साइड में आएंगे 6, बराबर, एज इट इज़ डाला, फिर राइट साइड में आके हमको प्लस करना है, प्लस करके फिर से दो डब्बे लेंगे, फिर ऊपर में 1, फिर नीचे आएंगे, फिर से लॉग लेना है, बेस कितना है इस बार 8 है, और बाकी ये 6 एज इट इज़ है, फिर हमको राइट साइड में आके प्लस करना है, बराबर, एज इट इज़ डाल रहा हूँ मैं, कुछ चेंज नहीं कर रहा, एज इट इज़ डाल रहा हूँ, बराबर, नीचे आना है, उसके बाद फिर से लॉग लेना है, और यहाँ पे कितना है इस बार, बेस कितना है 9 है, और राइट ऊपर कितना है log(6) है, ठीक है, पूरा एज इट इज़ डाला है, आप यहाँ पे लेफ्ट में आके देख सकते हो, एज इट इज़ डाला है, ठीक है, और इक्वल टू दबाना है, बस बात खत्म, इसका आंसर कितना आया 3। एक प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, कौन सी सर बताओ, अगर ऐसा है, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जगह है हमारे पास, अगर ऐसा है log(a)(b), तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log(a)/log(b), रिमेंबर दिस, log a अपॉन
लॉग बी मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो अगर वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करते हैं तो कैसे हो जाएगा ये, वन अपॉन लॉग सिक्स अपॉन लॉग थ्री प्लस वन अपॉन लॉग सिक्स अपॉन लॉग थ्री प्लस वन अपॉन लॉग सिक्स अपॉन लॉग नाइन, ठीक है। ऊपर का वन छोड़ो, उसका दो देखो मत, इसको ये प्रॉपर्टी यूज करके ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा सर, समझ में आ गया। अब हमेशा एक बात ध्यान में रखो, अगर वन अपॉन ए अपॉन बी है तो उसको मैं बी अपॉन ए लिख सकता हूँ, मतलब नीचे का नीचे वाला ऊपर जाता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है। अच्छा सर, तो कैसे लिखेंगे हम उसको, तो ये थ्री ऊपर आ गया लॉग सिक्स, ये यहाँ पे कितना था, यहाँ पे कितना था, कहाँ गया, लॉग एट था। अच्छा, यहाँ पे लॉग एट है, ये लॉग एट ऊपर आ गया, नीचे लॉग सिक्स, फिर ये लॉग नौ ऊपर आ गया, नीचे लॉग सिक्स। अच्छा सर, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो बार बार लिखने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं। बराबर, लॉग थ्री प्लस लॉग एट प्लस लॉग नाइन कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ थ्री इंटू एट इंटू नाइन हो जाएगा। इंटू कैसे सर, कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर आप यूज कर रहे हो वो तो बताओ। ठीक है, मैं यहां कहां लिखूं, अभी यहां पे लिखता हूं, ये प्रॉब्लम्स आप लिख लो, मैं यहां पे इसको रफ करने जा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे मैं प्रॉपर्टी लिखता हूं, कौन सी, लॉगरिदम की और एक प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई है, लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए इंटू बी, या फिर उसको लॉग ए बी ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस, अगर लॉग अलग अलग है और बीच में प्लस साइन है तो दोनों का एक ही लॉग लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर बीच में माइनस साइन है तो दोनों का डिवीजन होगा। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यहाँ पे नहीं, हर एक सब्जेक्ट में इसका यूज़ होता है, आगे मैथ्स टू में भी होगा। ठीक है, तो ये कितना आया रे, ये तीनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है बताओ, 8 3 24, और 24 इंटू 9 कितना होता है, 240 में से 24 कट करो, आई थिंक 216 आता है, लॉग ऑफ 216 अपॉन लॉग ऑफ 6। अच्छा सर, समझ में आ रहा है, बराबर। उसके बाद लेकिन 216 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, पहले जो पावर है उसको सामने लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हमको तो पता है पावर सामने लिख सकते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 लॉग 6 अपॉन लॉग 6 क्या हो गया, 2 log 6 अपॉन log 6, क्यों, ये जो ऊपर का 2 है उसको मैं सामने लेके आ सकता हूं, बराबर। हमने अभी तक देखा है log का प्रॉपर्टी, ऊपर का जो होता है उसको सामने लेके, तो 2 सामने आया, उसके बाद ये log 6 और log 6 काट सकता हूं मैं, इसलिए सिर्फ 2 बचा, तो फाइनल आंसर हमारा बन जाता है। वीडियो आप ऑफकोर्स वीडियो पॉज मतलब रिप्ले कर सकते हो, लेकिन फिर से मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, पहले मैंने क्या किया, ये प्रॉपर्टी यूज किया, क्या किया, लॉग सिक्स ऊपर अलग लॉग थ्री नीचे अलग लिख सकते हैं, यहाँ पे भी है, अभी यहाँ पे भी, नीचे का नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर जाता है, तो लॉग थ्री गया ऊपर, लॉग सिक्स एज इट इज, यहाँ पे भी वही किया, वहाँ पे भी एज इट, डिनोमिनेटर अगर सबका सेम है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है, एक ही बार लिख सकते हैं। ठीक है, और बीच में प्लस है ना, न्यूमरेटर का एडिशन है, अलग अलग लॉग है उनका, अगर एक ही लॉग किया तो अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ता है,
पॉजिटिव प्लस है तो प्लस है, इसलिए अगर माइनस होता तो डिवाइड होता, ठीक है, वो मैं बाद में बताएंगे माइनस का कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन 216 आया, तो मुझे क्लिक हो गया लॉग 6 नीचे है लॉग 6, तो ऊपर भी लॉग 6 आ सकता है, कैसे, कोई भी डाउट। और इसको सिमिलर इसके जैसा ही जो यहाँ पे लिखा था मैंने, कौन से नंबर का, 5 नंबर का सवाल, वो आपने लिख लिया होगा, उसको सॉल्व करना है और इसको भी आपको सॉल्व करना है, और दोनों के आंसर कमेंट में बताना है, आया नहीं आया जो भी है कमेंट में बताओ, कमेंट सेक्शन फुल यूज़ होना चाहिए। और वीडियो के साथ जो भी करना है लाइक शेयर कमेंट यार जो भी है यार वो करते रहना है आपको, बराबर, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है, ओके, तो मिलते हैं अगले टाइप के साथ।